हे ऑल, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी अच्छे हो, गए घर पे हो गए और सुरक्षित हो गए। मैं राहुल, आई होप डियर से। आज की इस वीडियो में जनरली बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के ऊपर, एक एक बात करेंगे और जो जानकारी बच जाएगी वो हमारी वेबसाइट www.luupdate.com पे इस यूपी स्कॉलरशिप कॉर्नर में हो जाएगी। जैसे जैसे तुम लोगों की जो समस्याएं आएंगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे ब्लॉगिंग मिल जाएगा तुम्हें, अपने क्वेरी के अकॉर्डिंग वहां पे हम अपडेट कर देंगे। चलो जानते हैं कि तुम अपना स्टेटस कैसे चेक करोगे और किस स्टेटस में तुमको क्या करना है, ये पूरी जानकारी यहाँ से हम दे देते हैं। सबसे पहले चलो यूपी स्कॉलरशिप लिखना, गूगल पे लिख दिए, ठीक है। अब यूपी स्कॉलरशिप लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ अब समाज कल्याण से मेरी बात हुई है तो समाज कल्याण वालों ने बोला है कि फाइनल स्टेटस, मतलब अब वो एक्सेल शीट नहीं शेयर करेंगे। उन्होंने एक बकायदा मुझे मेल करके दिया है, अब वो मेल मैं तुम लोगों के, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है तो वो तुम तक शेयर करना बेकार लगता है, ठीक है। चलो बात करते हैं कि कैसे चेक करोगे। कैसे चेक करना है तुमको, अगर मान लो तुम रिन्यूअल वाले होगे, ठीक है, तो रिन्यूअल वाले यहाँ से लॉग इन करो, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट को। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे वो फ्रेश लॉग इन पे क्लिक कर देंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद उनको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। चलो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर भर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है, ठीक अब यहाँ पे हमें उनका पासवर्ड डाल दे रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे कैप्चर कोड डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं सबमिट करूंगा, सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा। विंडोज ओपन होने के बाद यहाँ पे तुम्हें क्लिक करना है आवेदन पत्र की स्थिति जान। अब इस पे क्लिक कर दोगे तो एक पॉपअप करके आ रहा है, कह रहा कि तुम्हारा पॉपअप ब्लॉक है, तो मैं इसको कह देना ऑलवेज ऑन करके डन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब फिर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक ये नए विंडोज में फेंकना चाहिए इसको, ठीक है। देखो एक नए पेज में फेंक दिया। अब ये क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम पीएफएमएस मीन्स इसमें सब कुछ सही है, अब इनको कुछ नहीं करना है। भैया मेरे में लिख के आ रहा है रिजेक्टेड बाई बैंक, क्या करूं इसके लिए। तो बैंक वालों इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, बैंक वालों को सीधा सीधा कहाँ जाना है, सबसे पहले बैंक के जिसके भी इश्यू हैं उनको जाना होगा, अपने बैंक बैंक जाके उन्हें क्या करना होगा, अपना सबसे पहले वहां पे आधार लिंक कराना। तो उनसे बोलिएगा कि भैया हमें केवाईसी फॉर्म दे दीजिए, वो केवाईसी फॉर्म देंगे, केवाईसी फॉर्म भर के आप जमा कर दीजिएगा, उसके बाद से आपको यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं करना है। जिसके में 10-12 का इश्यू हो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक स्टेटस का ये प्रिंट आउट लेगा, फिर 3 पेज का ये फाइनल प्रिंट वाला फॉर्म लेगा, यहाँ संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, इस फॉर्म को प्रिंट कर लेगा। प्रिंट करने के बाद एक एप्लीकेशन लिखेगा, कैसे एप्लीकेशन लिखेगा, इस वेबसाइट पे आ जाना luupdate.com पे। यहाँ देखो एक कॉर्नर तुम्हारे लिए बुक कर दिया हूँ पहले से, कि तुम्हें कुछ भी करना ना पड़े, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाए। तो इस कॉर्नर पे आके जब क्लिक करोगे थोड़ी वेबसाइट खुल रही है, ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है आज, और देखो बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद तुम्हें ले जाके और जमा कर देना है। जैसे मान लो तुम्हारा, अगर मान के चलो कि इसी स्टेटस डिटेल में तुम्हें 10th 12th बोर्ड नॉट मैच है या उनसे रिलेटेड इशू है तो तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर बैंक से रिलेटेड कोई इशू है तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में कोई एप्लीकेशन नहीं देना, इसके लिए तुम्हें समाज कल्याण जाना है। और एक चीज और सुन लो, ये कब से होगा, किस दिन से होगा, तो अभी यूनिवर्सिटी लेके जाओगे तो वो भगा देंगे, क्योंकि अभी उनके पास ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया। उनके पास जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो 11 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक तुम्हारे ये करेक्शन वाले फॉर्म जमा होंगे, और तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम बैंक जाके अपने केवाईसी फॉर्म भर दो। केवाईसी फॉर्म भर दोगे तो तुम्हारी ये पूरी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अभी मैं यहाँ तुम्हारे स्टेटस का सभी स्क्रीनशॉट ले ले, जो जो समस्या है उसके नीचे उसका उत्तर लिख दे रहा हूँ पूरा, और नीचे यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया हूँ। अब ये एप्लीकेशन पूरा दिया हूँ, इस एप्लीकेशन को सेम लिख लेना, ठीक है। लेकिन जिसके में बैंक इशू होगा उसे कुछ नहीं करना, उसे सिर्फ बैंक तक ही जाना, ठीक है।
और बाकी देखो जैसे जैसे यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, मैं यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर को भूलना मत, अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, और जो भी समस्याएं होंगी वो हमें जरूर बताना। बाकी तुम्हें लगे कि अगर कोई समस्या रह जाती है तो हमारा ईमेल आईडी help@lupdate.com, ठीक है, उस पे हमें मेल करके बता देना, मैं ट्राई करूंगा कि वहां से रिस्पॉन्ड कर दूं। देख लो यहाँ पे, देखो ये अभी यहाँ पे हटा दूंगा क्योंकि अब इसकी डेट आज खत्म हो गई है, तो अब यहाँ पे मैं तुम्हारे वो सब अपडेट कर दूंगा, वीडियो भी यहाँ अपडेट कर दूंगा, और ये सारी डेटा सेट हटा दूंगा कि अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो 11 फरवरी से लेके 21 फरवरी, लेकिन ध्यान रखना जब तक ये फ्रंट पेज लेके नहीं जाओगे तब तक तुम्हारा फॉर्म यूनिवर्सिटी में जमा नहीं होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर मार देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, लेकिन 11 तारीख के बाद ही कॉलेज जाना, अगर उसके पहले जाओगे तो वो हमें डांटेंगे क्योंकि कहेंगे कि तुमने फिर भेज दिया बच्चों को इतना जल्दी। तो 11 फरवरी से लेके 21 फरवरी के बीच में तुम्हें जाना, उसके पहले मत जाना, नहीं तो तुम्हारा फॉर्म भी जमा नहीं होगा, तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच।